कहा जाए स्वर्ग रे पारिजात फूल फुटे थाए। ए फूल को नाइट ब्लूमिंग जस्मिन मध्ये कहा जाए। ए फूल रो सुगंध बहुत शक्तिशाली एवं यह औषधीय भाव रे मध्ये व्यवहार करा जाय पारे। एहार फूल एवं पत्र रो अनेक रोग पाई औषध तयारी करा जाय पारे। से परे फूल संपूर्ण रूपे मधुमेह रोग को मध्ये कम करे थाए। आसंतु जानिबा एहार अन्य फायदा विषय रे। पारिजात फूल घरे लगा जाय। पारिजात फूल को रातिर रानी मध्ये कहा जाय। एहार सुगंध समस्त को आकर्षित करे थाए। ए उद्भिदर सुगंध एते शक्तिशाली जे एहार उपस्थिति दूररु अनुभव करा जाय पारे। एहार धळा फूल एवं पत्र अनेक रोग पाई औषध भाव रे काम करे। लोक माने एहाकु घरर छात उपर मध्ये लगांथे। मधुमेह रे प्रभावशाली पारिजात फूल। पारिजात फूल एवं पत्र रो रस रे मधुमेह विरोधी गुण देखिबा को मिलिछि। इंडियन जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च रो अनुसंधान अनुसार यह उच्च रक्त शर्करा परिचालन रे सहाय्य करे एवं बारंबार परिश्रा निद्राहीनता भली लक्षण को ह्रास करे। आपण हर फूल एवं पत्र को ग्राइंड करी रस बाहर करी पी पारिबे। पारिजात फूल एवं पत्र रे इम्यूनो स्टिमुलेटरी गुण रहिछि जा रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाई थाए। यहा परे शरीर भलो उपाय रे जीवाणु सहित लड़े एवं एहा द्वारा ज्वर कमाइबार मध्य सहाय्य करे। एही फूल सुखिला काश को मध्य दूर करे। जदि आपणकर सुखिला काश दीर्घ दिन रहिछि तबे आपण ए फूलर पत्र को काश सिरप तयारी करि पारिबे। एथि पय सुखिला पत्र को ग्राइंड करंतु एवं रस बाहर करंतु एवं एहा को महु सहित मिसाई खाइ दियंतु। पेटर जीवाणु को शेष कर दिए पारिजात फूल। पारिजात फूलर पत्र को ग्राइंड करी रस बाहर करी किछि मिश्री सहित मिसाई खांतु। एहा पेटर जीवाणु रो मुक्ति देथाय। एहा आर्थराइटिस भी दूर करे। आर्थराइटिस शीत दिने वृद्ध लोकन को बहु यंत्रणा देथाय। पारिजात फूल एवं पत्र एवं डाळ को 200 मिलीमीटर पानी रे फुटांतु। जते बारे पानी रो एक चतुर्थांश रहिथाय एहा को उषुम कर पियंतु। साइकाइटिका यंत्रणा को ह्रास करबा पई 3-4 पत्र को ग्राइंड करी पानी रे फुटांतु। एहा को फिल्टर करी दिन को 2 थर खाली पेटर खाइबा द्वारा आराम मिलिथाय। ब्यूरो रिपोर्ट ओवर न्यूज ओडिसा।